दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नजर आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नजर आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नजर आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों, यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ
मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में
अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। यह पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है।
वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नजर आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। यह पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ।
यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों, यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए बिजान बताया कि मिमी और 10वीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है।
निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई।
इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं, उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवी के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है, इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर,
इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर इंद्रनील सेन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी
चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों, यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और 10वीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा
को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से
ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है।
ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नजर आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर
इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में
दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है, इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं।
उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। यह पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है।
यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं, उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था।
वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए बिजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। यह पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में
सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों, यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है।
निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है, इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेन गुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई।
इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं।
दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। यह पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं,
लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें दसवीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों, चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों, यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। और दोस्तों, फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था, इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश बिजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं। उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मेडडॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है।
ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नजर आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड की अपकमिंग मच अवेटेड मूवी चोर निकल के भागा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की कई फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, उनकी तारीफ भी हुई है। इनमें 10वीं, लॉस्ट और ए थर्सडे भी शामिल है। अब वो फिर से चोर निकल के भागा लेकर OTT पर आ रही है। इस बार उनके साथ सन्नी कौशल भी है। आइए जानते हैं मूवी के बारे में सब कुछ। यामी गौतम और सन्नी कौशल की ये फिल्म चोर निकल के भागा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 24 मार्च को रिलीज हो रही है। इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये थ्रिलर मूवी 24 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। इस मूवी को अगस्त 2022 में अनाउंस किया गया था। यामी गौतम ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डिटेल शेयर की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सन्नी कौशल हसीन दुलरुबा के सीक्वल फिर से हसीन दुलरुबा में तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी के साथ नज़र आएंगे। उन्हें आखिरी बार जाह्नवी कपूर के साथ मिली में देखा गया था। वहीं यामी गौतम की बात करें तो लॉस्ट में नज़र आई थी और G5 पर रिलीज हुई है। वो OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी संग नज़र आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चोर निकल के भागा मूवी का ऑफिशियली पोस्टर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों ऑफिशियल पोस्टर के साथ साथ इस मूवी का टीजर तो हमें काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल गया था। तो दोस्तों चोर निकल के भागा मूवी अगर आपको देखनी है तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख पाओगे। सन्नी कौशल और यामी गौतम के अलावा इस मूवी के अंदर शरद केलकर, इंद्रनील सेनगुप्ता भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों यह मूवी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस मूवी के अंदर आपको काफ़ी गजब की सन्नी कौशल की एक्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। चोर निकल के भागा मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट का है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियली मूवी है। दोस्तों यह मूवी की शूटिंग 2022 में अगस्त के महीने में स्टार्ट हो चुकी थी और दोस्तों फाइनली अब इस मूवी की शूटिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब यह मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉलीवुड अभिनेता सन्नी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर
चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे। इसे BTS वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म के निर्माण के पीछे क्या था इसकी एक झलक दिखाई गई। इस वीडियो को नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। फिल्म के कलाकार और निर्माता नेटफ्लिक्स के फिल्म्स डे पर एक साथ आए और बताया कि ये फिल्म कैसे बनी। निर्माता दिनेश विजान ने कहा, यामी और सनी दोनों अपनी पिछली रिलीज से असाधारण रहे हैं, उन्हें एक साथ कास्ट करना और इस फिल्म को जीवंत करना खुशी की बात है। अपनी बात को जारी रखते हुए विजान बताया कि मिमी और दसवीं के नेटफ्लिक्स के साथ मैड डॉग का पिछला जुड़ाव बहुत सफल रहा और अब हम चोर निकल के भागा को उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं, उनकी पहुंच का लाभ उठा रहे हैं। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के फैंस को एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब यामी गौतम और सन्नी कौशल किसी फिल्म के साथ नज़र आए हैं। फिल्म चोरी और अपहरण के बारे में है। निर्देशक अजय सिंह ने कहा, चोर निकल के भागा एक डकैती की कहानी का पता लगाने निकलता है, लेकिन उसी समय एक विमान के अपहरण होने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि उसके बाद और क्या क्या होता है। नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग करने और फिल्म को दुनिया भर में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए उत्साहित हूँ। मालूम हो कि अभी चोर निकल के भागा फिल्म की रिलीज डेट की रिवील नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों कल इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी।